वेलकम टू प्रो म्यूजिक साउंड। मैं बताने वाला हूँ कि बिना मीडी या कीबोर्ड बजाए म्यूजिक कैसे बनाया जा सकता है या हम लोग म्यूजिक कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि म्यूजिक बनाने के लिए म्यूजिक थ्योरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे नोट स्केल के बारे में जानकारी होना जरूरी है। बिना म्यूजिक थ्योरी के आप म्यूजिक नहीं बना पाएंगे। जैसे मैं बात करता हूँ कि एक गाना है, उसका स्केल है एफ शार्प माइनर। अब इसमें एफ शार्प किधर है? मुझे पता है कि एफ शार्प ये है। अब मैं बात करता हूँ स्केल की, तो वो जो गाना है वो किस स्केल में है, वो मेजर में है या माइनर में है। तो मान लीजिए एफ शार्प माइनर में है कोई सॉन्ग, कोई गाना। अगर मैं बात करता हूँ एफ शार्प माइनर की, तो कौन कौन से नोट लगेंगे एफ शार्प माइनर में? तो मुझे पता है कि एफ शार्प होगा जी शार्प, ये आपका ए, बी, सी शार्प, देन डी, देन ई। ये सारे नोट एफ शार्प माइनर के हैं। तो जितने भी नोट मैंने बताए, इसी नोट को यूज करके हम जो है कि मेलोडी बना सकते हैं, एक म्यूजिक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं आपको बना के भी दिखा दे रहा हूं। मैं इसके पियानो रोल में जाता हूं, मैंने छोटा सा बीट यहां पे क्रिएट कर रखा है और यहां पे डबल क्लिक करूंगा मैं। ये मेरा एफ शार्प है। मैं यहां पे आप देखिएगा, मैं जो मैंने नोट बताया ये वाला ये यही सारे नोट्स मैं लगाऊंगा और मेरा मेलोडी कितना चलेगा। अगर मैं उसी पर्टिकुलर स्केल का नोट लगाऊंगा तो कभी बेसुरा नहीं लगेगा। अब देखिए, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा, देन ये लगेगा। अभी क्या बना है देखते हैं। आप सुनते हैं, फिर इसको डबल कर देता हूं दो बार। तारा रा रा, तारा रा रा, तारा। मैं हमिंग करके भी देख रहा हूं कि अच्छा मेरे माइंड में कुछ मेलोडी आ रहा है, मैं उसको हमिंग कर रहा हूं और देख रहा हूं कि उसका सुर कहां जा रहा है, उसी के अनुसार नोट्स को रख रहा हूं जहां तहां। अब देखिए अभी क्या बना। तारा रा। और कुछ ला 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 ला। अब एक बार इसको हम सुनते हैं, अभी सुनते हैं क्या बन रहा है। बिना मीडी के ही मैंने एक अच्छा खासा मेलोडी तैयार कर दिया है। अब मैंने मेलोडी बना लिया है, अब इसमें मुझे कॉर्ड्स बजाने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मेलोडी के नाम से सेव कर देता हूँ। चलिए मेलो लिख दिया मैंने और चलिए मेरा यहाँ पे आ गया है ये एक्सपोर्ट होके। अब मैं यहाँ पे कॉर्ड यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है जी, सो कॉर्ड प्रोग्रेशन जो है, अगर मेरा एफ माइनर में है तो एफ माइनर का ही कॉर्ड प्रोग्रेशन होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए, मेरा यहाँ पे एफ माइनर का मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। पहला ये, मुझे पता है कि यही सारे मतलब कि नोट लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं साउंड थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसका। चलिए ये वाला नहीं, थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ। हाँ ये ठीक है, और सुनता हूँ क्या है। ठीक जा रहा है, मैं बीट को बजने देता हूँ यहाँ पे। और तीसरा जो है, एक और कोड आएगा यहाँ पे, ई, जी शार्प और बी, एंड देन ये फर्स्ट वाला नोट ही यहाँ पे लग जाएगा। सो ये कैसे हो रहा है? ये सिर्फ ये म्यूजिक थ्योरी के द्वारा हो रहा है। सो एक मैंने कॉर्ड भी बना लिया, थोड़ा सा इसका मतलब कि वॉल्यूम ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। चलिए कॉर्ड लिख दिया मैंने,
अब मेरा मेलोडी हो गया, कॉर्ड हो गया, और एक मैं बेस लाइन क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। बेस लाइन अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जो बेसिक नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ ऐसे आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कोई एक बेस का साउंड ले लूँगा, यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, देखता हूँ। चलिए मैं यहीं रखता हूँ फिलहाल में, और मैं देखता हूँ कि ये जो है किस ऑक्टेव पे फिट रहेगा। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नीचे आना चाहिए एक ऑक्टेव। तो मैंने बेसिक सा एक बेस लाइन भी क्रिएट कर दिया है। तो आपने देखा कि बिना मैंने मीडी प्ले किए ही म्यूजिक बना दिया, कैसे? वो म्यूजिक थ्योरी को यूज करके। बहुत सारे लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन होती है, मुझे तो मीडी नहीं बजाने आता, कीबोर्ड नहीं प्ले कर सकता, क्या मैं बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन म्यूजिक थ्योरी का नॉलेज होना जरूरी है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।